हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस सीरीज में हम वन ईयर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होगा घटना चक्र पर। ये करंट अफेयर्स मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक रहने वाला है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय दल हमारे भारत में कितने हो चुके हैं? टोटल 6 हैं। पहले कितने थे? 8 थे, इसमें आम आदमी को ऐड किया, 9 हो गए, और देन इसके बाद 3 को माइनस किया है। वो 3 पार्टियां कौन कौन सी है जिनको नेशनल पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है, और आखिर कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी हैं, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो टोटल कितने मापदंड होते हैं? 3 कंडीशंस पर डिपेंड होता है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है? जो किसी स्टेट में इलेक्शन हुए, वेदर लोकसभा के हो या फिर स्टेट असेंबली विधानसभा के हो, उसमें क्या है, 6% वोट जो वैलिड वोट्स पड़ी हैं, सपोज कीजिए 100 वोट्स पड़ी हैं, उसमें से वैलिड वोट 6 मिल गई, मतलब 100 वैलिड वोट में से 6 वोट मिल गई, मतलब 6% वोट मिली किसी पार्टी को। कितने स्टेट्स में? 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। पहली कंडीशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, और प्लस इसमें क्या है, 4 सीटें लोकसभा इलेक्शन में होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है, सिंपल शब्दों में बताते हैं, 6% वैलिड वोट्स 4 या 4 स्टेट्स में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा के, प्लस 4 लोकसभा सीटें। देन सेकंड है इसमें, अगर वो पार्टी 2% क्या है, 2% सीटों पर जीती है लोकसभा की, और कैंडिडेट 3 राज्य से क्या है, जीते हुए हों, तो दूसरी कंडीशन ये है, लोकसभा में 2% सीटों पर विजय, मतलब विजयी हुए हों, और 3 स्टेट से कैंडिडेट इलेक्ट हुए हों। तीसरी कंडीशन ये है, 4 या 4 राज्य से वो स्टेट पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को प्राप्त है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। तो आम आदमी पार्टी ने इसमें से थर्ड जो क्राइटेरिया, उसको थर्ड कंडीशन को फुलफिल किया है और वो नेशनल पार्टी बन गई है। टोटल नेशनल पार्टी कितनी है? 6। कौन कौन सी हैं? INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, BJP, BSP, CPIM, NPP और आम आदमी पार्टी। ये NPP नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, अभी ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और 6th है आम आदमी, और CPIM, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, CPI और CPIM में। तो CPI को अभी हाल ही में क्या है, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। 3 पार्टी कौन कौन सी हटी हैं? AITMC, तृणमूल कांग्रेस, सिंपल शब्दों में बोला जाए NCP, और CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया गया है। तो सेकंड पॉइंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन गांवों के लिए है जो गांव डेवलपमेंट से क्या है, वंचित रह जाते हैं। लाइक स्पेयर्स विलेज, मान लीजिए जो दूर दराज या बॉर्डर पर गांव होते हैं, या मरुस्थली एरिया में दूर दूर तक फैले हुए हों, तो ये क्या है, स्पर्श पॉपुलेशन वाले हैं, दूर दूर इनकी लोग रह रहे हों, तो ये जो वंचित रह जाते हैं डेवलपमेंट से, तो इन गांवों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। कहाँ से स्टार्ट किया है? किबीथू अरुणाचल प्रदेश से, और किबीथू भारत का क्या है, पूर्वी बिंदु है, ये पॉइंट भी याद रखने योग्य है। और ये कौन सी स्कीम है? केंद्र प्रायोजित स्कीम है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। इसमें क्या है, गवर्नमेंट और जो स्टेट राज्य होते हैं उनका शेयर होता है, वेदर वो 50-50 हो या फिर 60-40 हो, ये स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, 70-20 हो, ये यहाँ पर क्या है, ये 80-20 हो या 19-10 हो, ये डिपेंड करता है क्या स्कीम है, क्या कंडीशंस है सरकार। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, उसमें टोटल जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
और इसका जो वित्तीय आवंटन है वो कितना है, 4800 करोड़ रुपए की स्कीम है। 4 राज्यों में चलाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गांव में यह योजना चलाई जाएगी। कितने गांव में, 2967 गांव को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, जो लोग हैं अपने मूल स्थान पर रहें, प्लान को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, इस स्कीम को चलाया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्टेट इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर नए CM बने हैं, और देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हम मेघालय से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये जितने भी स्टेट्स हैं, इनकी आपको विधानसभा जो सीटें हैं वो याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS में ये पूछा भी गया है और पूछ लिया जाएगा। एक तरफ स्टेट दे देंगे, एक तरफ आपको जो विधानसभा सीटें हैं वो दे दी जाएंगी और मिलान करने को दे दिया जाएगा। तो मेघालय में टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 सीटें हैं, और यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो 59 सीटों पर हुआ। एक सीट पर इसलिए नहीं हो पाया, जो वहाँ पर मेघालय के पूर्व गृह मंत्री जो HDR लिंगदो हैं, उनका निधन हो गया है, तो इसलिए 59 सीटों पर ही यहाँ इलेक्शन कराया गया। 55 सीटें यहाँ ST जो पॉपुलेशन है उसके लिए रिजर्व रहती हैं। इस बार 86.69%, ये याद रखने लायक नहीं है, सिर्फ आपको कितनी विधानसभा सीटें, 60, CM कौन बने हैं, कोनराड के संगमा, और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की अगर ज़रूरत है तो आप विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी याद रख सकते हैं, थोम से संगमा। तो ये 3 पॉइंट आपको बस याद रखने हैं, बाकी ये कितने परसेंट वोट हुए ये सब आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है नागालैंड। नागालैंड में टोटल सीटें कितनी हैं, 60 सीटें हैं, और यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर जो हिस्ट्री है वो जो रिकॉर्ड था एक कि अब तक कोई फीमेल MLA नहीं बनी है, वो इस बार टूट गया है। फर्स्ट MLA फीमेल MLA कौन बनी है, हेकानु जखालू, और सेकंड कौन बनी है, सोलहुतु ओनो क्रूज। ये दोनों क्या है, NDPP पार्टी की हैं, और NDPP ही पार्टी यहाँ पर इस बार सत्ता में आई है। NDPP के नेता नेफ्यू रियो CM हैं, 5वीं बार उन्होंने क्या है CM पद की शपथ ली है, और जो यहाँ के स्पीकर बने हैं नागालैंड विधानसभा के वो सेरिंगेन लोंग कुमेर हैं। ये 3-4 पॉइंट नागालैंड के बारे में याद रखने लायक हैं। देन इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें 60 हैं। देखिए, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों में क्या है, 60 सीटें हैं। 10 सीटें हैं अनुसूचित जातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और यहां पर इस बार जीत दर्ज की है भाजपा ने। भाजपा ने टोटल 32 सीटें जीती, और यहां के CM कौन बने हैं, माणिक शाह, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं विश्व बंधु सेन त्रिपुरा। आपको यहाँ पर सीटें याद रखनी हैं, CM याद रखने हैं, और विधानसभा के स्पीकर कौन कौन है, और देन अगर जो पॉइंट है जैसे हेकानी जखालू फर्स्ट फीमेल MLA बनी है, और सोलहुतुरो क्रूज, तो ये पॉइंट आपको बस याद रखने हैं। कितनी सीटें जीती, कितनी परसेंट वोट हुई, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में आया था, और जो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है जो न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ हैं, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तरफ बड़े राज्य, एक तरफ छोटे राज्य की लिस्ट। तो बड़े राज्यों में जो नंबर 1 रैंकिंग है वो किसको मिली है, कर्नाटक को, और छोटे राज्यों में यह रैंकिंग किसको मिली है, सिक्किम को। तो कर्नाटक अगर 3 पूछ लिए जाएं, नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 तमिलनाडु और नंबर 3 तेलंगाना, और छोटे राज्य अगर लास्ट से पूछ लिए जाए तो बिहार को रैंक सबसे लास्ट मिली है, देन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है, 18, बिहार की 16 और पश्चिम बंगाल की 17।
तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्या है, लास्ट में आता है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग पुलिस में 15 है, जेल प्रणाली में 17, न्यायपालिका में 15 और कानूनी सहायता में 18। नेक्स्ट टॉपिक है एमवी गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, जो कि गंगा विलास, एमवी गंगा विलास किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको हरी झंडी दिखाई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से? ये वाराणसी से लेकर ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक चलाया गया है। और टोटल इसमें जो कितनी नदी हैं, वो इसमें 27 नदी समूह को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसमें इंडिया की छोटी छोटी नदी, बड़ी नदी भी हैं और बांग्लादेश की नदियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो पॉइंट यहाँ से बनता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाया गया। हरी झंडी की संधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक ये चलाया गया। वाराणसी से हरी झंडी मिली और डिब्रूगढ़ के बोगीबील में जाकर यह यात्रा संपन्न हुई। कहाँ कहाँ से गुजरी है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग में 1 में गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली आती है और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, नेशनल वाटरवेज 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में आती है। टोटल कितनी नदी प्रणालियों से होकर गुजरी? 27, जिसमें भारत की और बांग्लादेश की नदी भी शामिल थी। यहाँ पर टेंट सिटी का भी जिक्र होता है एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया और टेंट सिटी का निर्माण क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में, जो वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष कब संचालित होगी? अक्टूबर से जून तक यह संचालित होगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। 3 उद्घाटन किए हैं, हल्दी मल्टी मॉडल टर्मिनल, टेंट सिटी और एमवी जो गंगा विलास है, ये 3 उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। देखिए अब तक क्या था, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हियरिंग सिर्फ किस में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। और मान लीजिए यूपी है, यूपी के हाई कोर्ट में हिंदी और इंग्लिश चलती है, लेकिन जो केरल उच्च न्यायालय है, वो पहली बार जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो DY चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। उन्होंने यहाँ पर AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और NLP टेक्नोलॉजी के उपयोग का भी सुझाव दिया था। तो केरल पहला राज्य बना है जिसने क्या है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, मलयालम है, मलयालम में पहली हियरिंग सुनाई गई है। और अगर पूछ लिया जाए ज्यादा से ज्यादा कि न्यायाधीश कौन थे, S मणि कुमार और साजी P चाली, इन दोनों की खंडपीठ ने क्या है, यह निर्णय दिया था। तो ये पॉइंट याद रखने लायक है, ये फैक्चुअल पॉइंट है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय का निर्णय। देखिए अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा चुने जाते थे, वो जो प्रधानमंत्री हैं और जो मंत्रिमंडल है उनकी सलाह पर प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करती थी। लेकिन अब उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उसके लिए 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय सुनाया है। और उसके हेड कौन है, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के न्यायमूर्ति KM जोसेफ थे और इस पर निर्णय सुनाया है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, 3 सदस्य, 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। 3 मेंबर में कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री जी होंगे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन
विपक्ष के नेता, मान लीजिए कोई विपक्ष का नेता नहीं है, जो लार्जेस्ट पार्टी है और जो उसके लीडर हैं वही विपक्ष के नेता के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। और थर्ड वन है यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन तीनों की सुझाव पर ही अब क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति होगी। और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। किसकी सिफारिश पर करेंगे, अब पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट क्लियर। अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर में आता है, देखिए जो इलेक्शन होते हैं वो 315 से 323 तक, और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आर्टिकल 324 के अंडर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। यहाँ पर असर की रिपोर्ट आई है, असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस असर को कौन निकालता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एनजीओ, प्रथम एनजीओ, उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इस रिपोर्ट में असर में क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, जैसे कि इससे जांच की जाती है ग्रामीण भारत में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने अभी पढ़ने में सक्षम हैं, कितने मैथ्स कर पा रहे हैं, कितने एनरोल नहीं हुए हैं, कितने एनरोल्ड हो गए हैं, ये सब इसमें बताया जाता है असर की रिपोर्ट में। तो इसमें क्या है, रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति, एनरोल्ड किए गए हैं या नहीं, 5 से 16 वर्ष के बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, गणित मैथ्स कर पा रहे हैं, या फिर इसमें कितने गांव शामिल किए गए, ये फैक्चुअल डेटा है, आप इसको एक बार देख लीजिए। और एनरोलमेंट रेट बढ़ा है या घटा है, तो यहाँ पर एनरोलमेंट रेट बढ़ा है। तो ये फैक्चुअल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, एक बार ये रीड आउट कर लीजिएगा, कोई टफ टास्क नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले सबसे लंबा कौन सा था इससे पहले तक, जो था गोरखपुर जंक्शन, लेकिन अब क्या है, जगह ले लिया उसकी किसने, हुबली जंक्शन। जो कि हुबली जंक्शन कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटक स्टेट में है। तो ये क्या है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया के टॉप मोस्ट अगर देखा जाए तो टॉप 5 में नंबर 1 हुबली जंक्शन, जिसकी लंबाई क्या है, 1507 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। देन इसके बाद गोरखपुर जंक्शन, कोल्लम कहाँ पर है, केरल में है, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, और स्टेट स्ट्रीट सबवे, ये शिकागो अमेरिका में, टॉप 5 प्लेटफॉर्म है। तो ये भी क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, ये आप क्या है याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। देखिए जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसमें 5G टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है, विदिशा बन गया। और विदिशा कहां पर है, ये MP में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है, UPSC द्वारा पूछ लिया गया था कि टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। तो उस टाइम 75 डिस्ट्रिक्ट्स थे, शायद अभी भी 75 है, ये फैक्ट चेक करने लायक है, यहाँ पर स्टार बना देते हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इसमें क्या है, पहला वो जिला जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी लागू हुई है वो विदिशा में हुई है। और विदिशा कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। तो 112 आकांक्षी जिले, ये यहाँ पर 112, ये हमने चेक करने के लिए बोला था, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 75 थे। तो 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के टोटल जिले कितने हैं, 8 जिले हैं। वो कौन कौन से, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, जो कि कहाँ पर है, केरल में है। देखिए भारत के संविधान को लागू हुए 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो केरल राज्य को वैसे भी लिटरेसी के लिए जाना जाता है। और वहाँ पर एक जिला है कौन सा, कोल्लम, वहाँ पर क्या है, अब जो वहाँ के सभी लोग हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से जागरूक हो गए हैं। तो इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है कोल्लम को। और इसकी घोषणा डिक्लेरेशन किसने की, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने।
कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन चलाया गया था, ये उसी का रिजल्ट है। और यहाँ पर क्या है, इसका इस अभियान को ही यहाँ पर सक्सेसफुल बनाया है। और यहाँ पर क्या है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो यहाँ तक हम क्या है, कोल्लम तक, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।